पैशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। आप पैसा कमा लोगे बट अगर आप पैशन नहीं होगा ना आपका किसी चीज़ के लिए, वो चीज़ आखिरी में जाके छूट ही जाएगी। और भाई और बहनों, क्या हाल चाल, बहुत बहुत स्वागत है इनका जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं। यार एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपना चैनल समझो। फिर आज हम बात करने वाले हैं एनटी ने जो अपना रिजल्ट निकाला जेई मेन का, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हुए उन पे जिन्होंने जेई मेन क्वालिफाई नहीं किया, उसकी बात करने वाले आज। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि एनटी की गलती है या नहीं है। मैं आपको पहली बार एक बात क्लियर कर देता हूँ कि एनटी के पास भी कुछ लिमिटेशंस है। उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ चिल्ड्रन को ही पास कराना पड़ता है, क्वालिफाई कराना पड़ता है जो कि जेड वंस लिख सके। तो मैं इसमें कुछ एनटी की गलती नहीं देखता हूँ कि आपका रिजल्ट अगर खराब है तो उसके लिए एनटी को आप दोष ठहरा सको। ठीक है, आप एनटी को दोषी तब ठहरा सकते हैं जब अगर एनटीए क्या करता कि एनटीए जितने प्रेस्क्राइब्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उनको क्वालिफाई नहीं करा के उनसे कम नंबर को क्वालिफाई कराता, बट एनटीए के पास जितने स्पेसिफाइड नंबर थे एनटीए ने उन्हीं लोगों को क्वालिफाई कराया है। देखो एक चीज आप समझो, जो भी होता है लाइफ में ना कुछ अच्छे के लिए ही होता है। कभी भी लाइफ आपके साथ कभी बुरा करने को, इंटेंशनली बुरा करने को नहीं सोचती है। ठीक है, अगर आपने जेई मेन क्वालिफाई नहीं किया तो ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है। इंडिकेशन दो तरीके की हो सकते हैं। ठीक है, पहला इंडिकेशन ये हो सकता है कि शायद आप एनआईटीज आईआईटी सुपरलाइटीज के लिए बने नहीं हो। ये कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आप एनआईटी आईआईटी ट्रिपल आईटी के लिए नहीं बने हो। आपको एक चीज बताता हूँ, हर साल 13 लाख या 14 लाख लोग जेई मेन देते हैं। ठीक है, इसमें से कितने लोग आईआईटी जा पाते हैं इंक्लूडिंग रिजर्वेशन। अगर मैं सारे रिजर्वेशन एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी होमसेट सब अगर ऐड कर दूं ना, वैसे आईआईटी में होमसेट होता नहीं है, तो अगर मैं एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी सब अगर ऐड कर सकूं और फॉरेन कोटा सबको ऐड कर सकूं तो 10,000 सीट भी नहीं आईआईटी में। ठीक है, यानी कि 130 लोग जो कि जेई मेन और जेड एडवांस देते हैं उसमें से हर 130 में से मुश्किल से एक बंदा पहुंच पाना आईआईटी में। तो इसका मतलब ये क्या, बाकी जो 129 लोग हैं वो लोग क्या एकदम नल्ले हैं? उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, उनका कोई जो लाइफ में कोई मोटिव नहीं है कि वो आईआईटी नहीं जा पा रहे, मतलब कुछ हो नहीं पा रहा है। सबसे पहली बात आज आपको बता दूं क्लियरली कि आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी हर चीज़ नहीं होता है, ये एक जरिया होता है। एनआईटी ट्रिपल आईटी आईआईटी आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जो कि आपको कोई और इंस्टीट्यूशन दे नहीं पाता इंडिया में, बट ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपको और कुछ जीवन में आपके साथ हो नहीं सकता। ठीक है, ये आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे सकते हैं जो इंडिया में सेकेंड टू नन है आपको मिलना, बट इट इज नो वेयर मैंशन दैट इफ़ यू आर नॉट एनरोल्ड इन एन आईआईटी ट्रिपल आईआईटी और एनआईटी यू आर वर्थलेस। ठीक है, एट द एंड आपके स्किल्स मैटर करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास आप आईआईटी में एनरोल्ड हो, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है और अगर आप जिसे दूसरे बंदे से कंपेयर करते हो जो कि आईआईटी में एनरोल्ड नहीं है, जैसे प्राइवेट कॉलेज यानी कि बिट मेसा यूपीए जैसे कॉलेज में है और अगर उसके स्किल जिसकी आईआईटी स्टूडेंट से अच्छे है, तो मैं ये कहूँगा कि आईआईटी में रहने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि आपने वो स्किल्स डेवलप ही नहीं किया अगर आपको उनसे बेटर आपको एक्सपोजर मिला था। ठीक है, इस बात को समझ लो, आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी हर चीज़ नहीं होता है। मैं आपको एक मिथ क्लियर कर देता हूँ, आप में से बहुत लोग सोचते हो कि आईआईटी के अंदर घुस के लाइफ सेट है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपने आईआईटी के अंदर आपने पैर रखा है तो आपको कॉम्पिटिशन में दुगना तिगुना मिलेगा। ठीक है, उस कंपटीशन में रिलेटिव ग्रेडिंग के थ्रू पास होना, एक्सेल करना, अच्छा सीजीपीए लाना ताकि आप अच्छे कंपनीज में आपको अच्छा एक्सपोजर मिल सके, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। मैंने बहुत से लोगों कहते हुए सुना है कि एक बार आईआईटी में एडमिशन हो गया उसके बाद तो ऐश है। यार ऐश कुछ वैसा होता नहीं, ऐश तो आपको 10th के बाद ही मिलने वाला था, 10th के बोर्ड के बाद 12th के बोर्ड के बाद मिला, आपको ऐश नहीं मिला ना। आपने आईआईटी भी ज्वाइन किया, आपको ऐश नहीं मिलेगा, आपको सर्वाइव करना, आपको बैटल आउट करना है। बाकी जो कंपटीशन है ना, आप ये सोचते हो कि जेई का कंपटीशन बहुत ज़्यादा वास्ट है, अगर आप आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी में घुस रहे हो आपका कंपटीशन वहाँ भी बहुत ज़्यादा होता है। आप ये मत समझो कि आईआईटी ही सब कुछ होता है, आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी में आप अगर एक बार घुस गए उसके बाद भी आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। ठीक है, एनआईटीज ट्रिपल आईटीज आईआईटीज आपको एक एक्सपोजर देते हैं, वो एक्सपोजर आपको कहीं नहीं मिल सकता है, मानता हूँ, लेकिन इस बात को कान में माइंड में घुसा लो, कान में घुसा लो, जहाँ घुसाने घुसा लो कि आईआईटी हर चीज़ नहीं होता है। ठीक है, आप में से बहुत लोग सोचते होंगे जो लोग आईआईटी करते हैं वो लोग कोर जॉब्स के लिए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सेकंड ईयर खत्म होते होते जितने भी आईआईटीएंस एनआईटीएंस ट्रिपल आईटीएंस, अगर 100 लोग ने एडमिशन लिया किसी आईआईटी फिर एनआईटी में, मैं आपके अपने कॉलेज का एग्जांपल बताता हूँ आपको, अगर 100 लोग ने एडमिशन लिया ना आईआईटी जैसे कॉलेज में, तो 100 में से 50 लोग सेकेंड ईयर खत्म होते होते ना उनका जो इंक्लिनेशन है टूवर्ड्स बैंकिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड ऑल, ठीक है, ये सब आर्मी के लिए, इन सब के उनका इंक्लिनेशन धीरे धीरे बढ़ते रहता है। मेरे बहुत से दोस्त हैं जो लोग सेकेंड ईयर खत्म होने के बाद ड्रॉप आउट कर लिया, क्यों, क्योंकि उनका आर्मी ज्वाइन करना था। ठीक है, आप ये मत समझो कि आपको सिर्फ आईआईटी एक ही तरफ इंक्लिनेशन करता है। अगर आपका जेई मेन में नहीं हुआ फिर जेड एडवांस में नहीं हुआ, उसका मतलब यही कहीं है कि आप शायद इस चीज़ के लिए बने ही नहीं, और इस चीज़ के लिए नहीं बनना इज़ वेरी नेचुरल। ठीक है,
मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ। मैंने 2017 का जेई मेन और एडवांस दिया था। जेई मेन में रैंक थे 10,568 और एडवांस में रैंक थे 11,001। ठीक है, मैं एक बहुत ही वल्नरेबल रीजन में था। ठीक है, मेरे को टॉप NIT मिल रहा था, वेरियस मेरे को सबसे लो लेवल IIT में एडमिशन लाइक मेटलर्जी डिपार्टमेंट में को मिल सकता था, बट मैंने प्रेफर किया एक टॉप NIT विद अ गुड ब्रांच। ठीक है, बट मैं आज भी सोचता हूँ, खुद को मैं कोसता हूँ कि मैंने क्यों ड्रॉप नहीं लिया उस दिन। ठीक है, अगर आप एकदम फोकस्ड हो, अगर आपका इस बार जेई मेन बहुत खराब गया है, आपने जस्ट क्वालिफाई किया या फिर आपने क्वालिफाई भी नहीं किया है, तो शायद ऊपर से एक इंडिकेशन है कि आप एक साल और ड्रॉप लो, आप मेहनत करो, मेहनत करके कुछ और सक्सीड करो। और अगर आपको IIT चाहिए, आप IIT के लिए बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो, IIT के लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, तब जाके आप IIT में सीट अवेल कर सको। ठीक है, आप ड्रॉप तभी लो जब आप एकदम फोकस्ड हो, आप एकदम फोकस्ड हो कि हाँ हम एक साल बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। अगर हमारे पास जेई मेन में नंबर आया 100, 110, 120, हम खींच के उसको 260, 270, 280 खींच सकते हैं थ्रू हार्डवर्क। ठीक है, अभी आपको जो एक साल करना है ना, वो हार्डवर्क है। सो आपको जो स्मार्ट वर्क एडमिनिस्टर करना है, वो आखिरी के 1 से 2 महीने में होता है मैक्सिमम। ठीक है, आप ये मत समझो कि हम अभी से जो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं ना, टेक्निक्स लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं, नहीं, अभी आप अपने बेसिस कौन क्लियर करो। अगर आप ड्रॉप ले रहे हो, अपने प्रायोरिटी सेट करो कि अभी हमको हार्डवर्क करना है, हार्डवर्क का टाइम अभी है, हम एक बार फेल कर चुके, बट इससे भी हमको कुछ पॉजिटिव्स लेना है। पॉजिटिव्स क्या लेना है, आप इससे सीखो, हमने इस बार पेपर दिया तो हमको पता है पेपर का पैटर्न क्या है। जो लोग फ्रेशर देंगे अगले साल, उनके ऊपर हमारा ये एडवांटेज है कि हमको पता है कैसे देना है और हम एक बार फेल कर चुके हैं। ओके, तो हम जानते हैं कि हमारे टेक्निक्स में क्या क्या फॉल्ट्स थे, अब हम उसको ओवरकम करने के लिए, ठीक है, वर्कआउट कर सकते हैं। एंड दैट इज द एडवांटेज विच विल गेन ओवर द फ्रेशर्स, क्योंकि फ्रेशर्स को पता नहीं रहता है, फ्रेशर ने उतना जो प्रेशर है कभी एब्जॉर्ब नहीं किया होता, एब्जॉर्ब नहीं किया होता कि वो देख सके कि जेई मेन के दिन उनकी कितनी हालत खराब होती है, जेई एडवांस के दिन उतनी कितनी हालत खराब होती है, जब पहले के 20 क्वेश्चन में से आपके मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, आप ड्रॉप लो, अगर आपको अगर आप बहुत ज़्यादा फोकस हो ड्रॉप के लिए, आप तब ड्रॉप लो। अगर आप फोकस नहीं हो ड्रॉप के लिए, या फिर आप अभी भी सोच रहे हो कि आपके लिए इंजीनियरिंग नहीं बना है, देखो इंजीनियरिंग सबको सूट नहीं करता, इंजीनियरिंग मुझे खुद सूट नहीं करे, मैंने केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है, बट आज मेरा सेकेंड ईयर खत्म हो चुका है। मैं आपको बोलता हूँ, मैं केमिकल इंजीनियरिंग के लिए बना ही नहीं हूँ। ठीक है, दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी नेचुरल। लोग एडमिशन ले लेते हैं NITs में, IITs में, बट उनको बाद में जाकर ये रियलाइज होता है कि नहीं, मैं तो शायद इस चीज़ के लिए बना ही नहीं हूँ। तो अगर आपका जेई मेन जे एडवांस में नहीं हुआ है, तो आप एक बार खुद से पूछो कि आप इस चीज़ के लिए बने हो, क्योंकि अगर आपका उस चीज़ में पैशन नहीं है ना, तो पैशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। आप पैसा कमा लोगे, बट अगर आप पैशन नहीं होगा ना आपका किसी चीज़ के लिए, वो चीज़ आखिरी में जाके छूट ही जाएगी, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी बैड इन द फ्यूचर, बिकॉज आप उस फिर खुद को क्वेश्चन करोगे कि यार जिस चीज़ में मेरा पैशन नहीं है, जिस चीज़ में मेरा कोई एंथुसियाज्म नहीं है, मैं उसको क्यों फॉलो कर रहा हूँ। पैसा हर चीज़ नहीं होता, आपको बाद में समझ में आएगा। IITs, NITs, IIITs में गिव यू द बेस्ट प्लेसमेंट्स, बट अगर आपका उस कोर में पैशन नहीं है, अगर आपका उस चीज़ में इंक्लिनेशन नहीं है, सो माय डियर फ्रेंड, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। ठीक है, एक बार सारी चीज़ों को एक बार बकल अप कर लेते हैं। हम इस वीडियो में हमने क्या क्या बात की, इस वीडियो में सबसे पहले हमने बात की थी IITs में अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ तो क्या ये एंड ऑफ लाइफ है, नहीं, ऐसा नहीं। IITs, NITs, IIITs आपको एक्सपोजर देंगे, बट आपको हर चीज़ नहीं देंगे जो आपको लगेगा। आपका फुल ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए IITs, IIITs, NITs आर द बेस्ट, बट इट डज नॉट मीन दैट इट इज द ओनली इंस्टीट्यूशन वेर यू कैन नरिश। ठीक है, उसके बाद बाकी है ड्रॉप का। ड्रॉप अगर आप तभी लो जब आप बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो। ठीक है, ऐसा नहीं, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं होता ड्रॉप लेने का कि अगर आपने ड्रॉप लिया है तो आपका स्कोर सिर्फ 50-60 नंबर बढ़ सकता है, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। मैंने ऐसे भी लोगों को देखे जो लोग जेई मेन में 70 नंबर से सीधा 310-320 तक भी लाए हैं। ठीक है, आप ये कभी मत सोचो कि आपने अगर ड्रॉप लिया तो आपका एक लिमिटेड स्कोर तक ही बढ़ सकता है। ऑलवेज यू कैन ब्रीच योर लिमिट्स। ओके, आप अगर आपने कोई लिमिट अपने लिए सेट किया है तो आप खुद अपने आप को इनहिबिट कर रहे हो। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा तो लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, अब समय आ गया आप सर्वदा लेने का, बने रहिए, स्टे ट्यून्ड।